हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम अंडा कढ़ी बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए कितनी अच्छी स्वादिष्ट अंडा कढ़ी बनी है। ऐसे हम बनाएंगे। इसके लिए हम अंडा उबाल लेंगे पहले। ये देखिए हमने अंडा ले लिया है। अभी उधर हमने पतीला रख लिया पानी गर्म होने के लिए। 5 से 6 अंडे हैं, इसको हम उबालेंगे। इधर हमने पतीला रख लिया है, पानी रख लिया इसमें गर्म होने के लिए। अभी हौली हौली करके इसमें अंडे डाल देंगे हम। धीरे धीरे डालेंगे दोस्तों, नहीं टूट जाएंगे अंडे आराम से। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ये देखिए हमने सारा अंडा इसमें डाल दिया है। अभी ऊपर से हम थोड़ा नमक डालेंगे कि अंडे फटे ना। ये देखिए नमक डालते तो अंडे फटते नहीं हैं। इसको अब हम उबलने देंगे। इधर हमने ले लिया है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च तड़के के लिए। तो इसको हम चॉपर में चॉप करेंगे दोस्तों। प्याज को हम कट कर लेंगे चॉपर में। ये देखिए थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा काट लेते हैं, इसको आसानी से चॉप हो जाएगा। सारे प्याज को ऐसे ही काट लेंगे हम। देखिए दोस्तों हमने काट लिया है। अभी इसको हम चॉप कर लेंगे। प्याज टमाटर दोनों ही चॉप करेंगे दोस्तों। चॉपर में इसको हम चॉप कर लेते हैं। ये देखिए हमने चॉप कर लिया है चॉपर में। अभी हम इसको तड़के में इस्तेमाल करेंगे। इधर हमारा अंडा भी उबल गया है, इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए इसको निकाल कर हम रख लेंगे दोस्तों। इसका छिलका ऊपर से उतार लेंगे। दोस्तों हमारे तरीके से अंडा कढ़ी बनाइए, बहुत स्वादिष्ट बनती है दोस्तों। ये देखिए अभी अंडे को हम कट लगा लेंगे। कट लगाने से तलते वक्त फटेंगे नहीं अंडे। ये देखिए हमने कट लगा लिया। इधर कढ़ाई अपना गरम कर लिया है हमने। कढ़ाई हमारी गरम हो रही है, तेल भी गरम हो चुका है। इसमें हम डाल देते हैं एक एक करके सारे अंडे, एक ही बार डाल देंगे इसमें। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे हम, गोल्डन फ्राई। ये देखिए दोस्तों हल्का हल्का गोल्डन होने हो चुका है। अभी इधर भी, इस साइड भी हम इसको भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए अंडा हमारा गोल्डन हो चुका है। अभी इसको हम निकाल लेंगे दोस्तों, निकाल कर रख लेंगे इसको। देखिए गोल्डन हो चुका है, अच्छी तरह से भून चुका है। निकाल लेते हैं इसको। इधर हमारा तेल तो गर्म है ही है, इसमें अपना तड़का लगा लेते हैं हम। ये देखिए हमने जीरा डाला है। अभी हम प्याज भी अपना डाल लेंगे इसमें। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे प्याज को, गोल्डन फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से भून जाए प्याज, कच्चा ना रहे। इसमें हम हरी मिर्च भी डाल लेंगे कटी हुई। इसको अब अच्छी तरह से हम भूनेंगे दोस्तों, हल्की आंच पे अच्छी तरह पकाएंगे इसको। जितना टाइम लगे इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमारा गोल्डन हो रहा है अभी। ये देखिए हमारा प्याज भून चुका है। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं हम। देखिए कितनी अच्छी तरह से प्याज भुना है दोस्तों। ऐसे ही भूनेंगे हम, कच्चा ना रहे, इसे गोल्डन भून लेंगे हम। इसको भी, अदरक लहसुन को भी हम भून लेते हैं।
अभी हम अपना मसाला डालेंगे इसमें। हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच, छोटा चम्मच है। धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, सब्जी मसाला 1/2 चम्मच, लाल मिर्च थोड़ा सा हल्का सा डाला हमने, ये कस्तूरी मिर्च है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे हम। अभी अपना टमाटर भी इसमें हम डाल देंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। ये देखिए, इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे दोस्तों, टमाटर को भी। नमक डाल लेते हैं ऊपर से। डेढ़ चम्मच नमक डाला हमने, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे पकाएंगे हम, इसको ढककर पकाएंगे दोस्तों। 3-4 मिनट इसको ढक देते हैं। टमाटर भी गल जाएगा, प्याज भी, और अच्छी तरह से भून भी जाएगा। ये हमारा हो गया 4 मिनट, देख लेते हैं। ये देखिए, तेल छोड़ने लग गया है, मतलब पक गया है। अभी पानी डाल लेते हैं हम इसमें, ज़्यादा नहीं डालेंगे दोस्तों पानी। अभी इसे हम फिर से ढक्कन लगा देंगे और अच्छी तरह से पक जाए मसाले। ये देखिए, मसाले हमारे पक चुके हैं। कितनी अच्छी तरह से मसाला पक चुका है। अब हम इसमें अंडे डालेंगे अपना। पहले गरम मसाला डाल लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसमें। अभी अंडे डालेंगे हम। ये देखिए, इसको 2 मिनट पकाएंगे दोस्तों हम ढककर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मसाला हमारा पका हुआ है। ये देखिए, 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। अभी चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, हमारा मसाला पक गया है, अंडे भी पक गए हैं। अंडे तो पके हुए हैं पहले से, उबला हुआ है। अभी हमारा अंडा बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों। ये देखिए, कितना स्वादिष्ट अंडे बने हैं।